छुप आए। अब पूजा ने फाइनली डिसाइड किया है कि मिस्टर कपूर का चैप्टर भी क्लोज हो गया है, तो नरेन के सामने अब बच्चे बनने का तो नाटक करने की जरूरत नहीं है। तो उसने यही डिसाइड किया है कि अब गिर के ऐसा प्रिटेंड करेगी कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझसे पहले ही जो मेरी बहन है नैना, उसने ऑलरेडी शक का बीज बो दिया था नरेन के मन में और उसका वो डाउट भी क्लियर हो गया, और आज फाइनली ये झूठ ख़त्म हो गया है, ये नाटक ख़त्म हो गया है नरेन के सामने और फैमिली के सामने भी। अब हम जाएंगे तो पूजा नॉर्मल होके ही जाएगी, तो लेकिन बुरे नोट पे ख़त्म हुआ है क्योंकि पूजा भी डिलेमा में है। पहले तो वो सोच रही थी कि वो भी बता दे, क्योंकि नरेन उसको बोल रहा था लास्ट चांस है हमारे प्यार के लिए, तो उसको डिफ़िकल्ट हुआ प्यार और दादाजी के वचन के बीच में डिसीजन लेने के लिए, लेकिन वो भेद वो बता नहीं सकती है, उस भेद से नरेन टूट जाएगा, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो नहीं बताएगी, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हर लव। नरेन को पहले से ही पूजा का सच पता चलने लग गया था, इसका शक पूजा को भी हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से नैना पूजा को बार बार थ्रेटन कर रही थी कि तुम्हें नरेन के सामने नाटक करते रहना पड़ेगा, और वो क्या खेल खेल रही थी उसके बारे में भी पूजा थोड़ी बहुत अवेयर थी ही, तो पूजा को थोड़ा सा शक ऑलरेडी हो गया था, इसीलिए जब नरेन की शार्प नज़रों से देखती थी तो उसके मन का चोर बाहर निकल जाता था, लेकिन फिर भी वो वापस एक बच्चे की तरह बन के प्रिटेंड करती थी। लेकिन अब तो फाइनली नरेन को पता चल गया है, और आई होप सब लोग होप ही यही कर सकते हैं कि पूजा अपने प्यार को वापस पा ले और घर पे भी सबका प्यार उसे मिल जाए। दूसरा छल है, कोई कितना बर्दाश्त कर सकता है, एक बर्दाश्त करने की लिमिट भी होती है। इससे पहले भी पूजा ने एक छल किया था, हालांकि उसके अच्छाई के लिए किया था, लेकिन इस बार जो ये खेल खेला है वो उसे बता नहीं सकती है, उसका भेद खोल नहीं सकती है। तनाव तो हो गया है और पूजा यही चाहेगी और कोशिश करेगी कि ये ठीक हो जाए बिना भेद।